हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा चैप्टर का था हमारे पास? ये गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, एंड वैल्यूएशन। इसका हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया था। अब थर्ड करेंगे आज हम इसका कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड इसका कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड को करने के लिए हमारे पास मेन दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। नंबर वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पहले हम वो स्टेप लिख लेते हैं, फिर हम उसका साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसका सेकेंड मेथड होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं पहले हम। स्टेप्स में नंबर वन, पहला स्टेप हमने क्या कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आपके पास सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। सेकेंड चीज ये इसमें लिख लो आप, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड में आपने कैलकुलेट करना बचे कैलकुलेशन ऑफ ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका हमारे पास थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना होता है हमने नेट एसेट्स, फाइंड आउट नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, इसका हमारे पास दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास एक लायबिलिटी अप्रोच से निकलेगा और एक एसेट्स अप्रोच से निकलेगा। तो उसमें करना क्या होता है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। इसमें से जो हमारे पास ऑल एसेट्स होते हैं उसमें क्या चीज़ें नहीं लेनी, अदर देन या एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों चीज़ों को छोड़ के और उसमें से लेस कर देना होता है हमने इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। वो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएगा। उससे हमारे पास लाइबिलिटी अप्रोच में होता था जिसमें से क्या करना होता था, कैपिटल में हमने रिजर्व ऐड कर देना था, उसमें से ये तीनों चीज़ें गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स लेस करना होता था, हमारे पास उसमें भी आ जाता था। अब उसमें फोर्थ लास्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास स्टेप टू है यानी कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। लिख देता हूं यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, उसमें से हमने क्या करना होता है, माइनस कर देते हैं उसमें से हम नेट एसेट्स, यानी कि स्टेप टू माइनस स्टेप थ्री करके हमारे पास गुडविल कैलकुलेटर हो जाती है,
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही एक क्वेश्चन लिख लिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे। इसमें दे रखा है बच्चे हमारे पास, अ फर्म अर्न रुपीज 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर रुपीज 2,40,000। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास सबसे पहले क्या स्टेप था हमारे पास? सबसे पहला स्टेप था हमें क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमारे पास प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, द फर्म अर्न रुपीज 60,000 एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें दूसरा स्टेप पे चलना है डायरेक्ट। स्टेप इन सेकेंड स्टेप में क्या था हमारे पास? कैपिटलाइज्ड, या आप लिख लो स्टेप वन सॉल्यूशन में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा स्टेप में आपने लिखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी हमारे पास? इसका फॉर्मूला था बच्चे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास यहाँ पे? 60,000। रेट कितना दे रखा था हमारे पास यहाँ पे? 10% बोल रखा है। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो गया हमारे पास? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया ये 6,00,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है हमने नेट एसेट्स। यहाँ पे हमारे पास नेट एसेट्स कितने आते हैं वो चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और हमारे पास जो ऑल एसेट्स होते हैं उसमें ना तो गुडविल आनी चाहिए, ना हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स आना चाहिए, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बोल रखा है कि एक्सक्लूडिंग गुडविल हमारे पास एसेट्स कितने हैं? 7,20,000 के। तो हम इसमें लिख देंगे एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो एसेट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? एसेट्स हैं 7,20,000, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दे रखी है हमारे पास ये दे रखी है, एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। तो 2,40,000 की लाइबिलिटी, इसमें से 2,40,000 लेस कर दो, रिमेनिंग कितना बचता है हमारे पास? कैलकुलेट कर लो इसको, 0,0,0,0। ठीक है, 8 और 6 में से गया हमारे पास तो 4। ठीक है, 4,80,000 रुपीज़, 4,80,000 हमारे पास क्या आ गया बच्चे यहाँ पे? नेट एसेट्स। अब हमने कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? गुडविल इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला यहाँ पे बच्चे हमारे पास? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, उसमें से क्या करना हमने? माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी दे रखी है हमारे पास? ये थी 6,00,000, और उसमें से माइनस कर दिया एसेट्स। एसेट्स कितना दे रखा था नेट एसेट्स हमारे पास? 4,80,000। तो 4,80,000 इसमें से लेस कर दे तो हमारे पास बच गया 1,20,000 आंसर। ये फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करना है हमने सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सुपर प्रॉफिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। तो स्टेप आप यहाँ पे लिख लेंगे इसके, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड। सेकेंड आ गया हमारे पास इसमें बच्चा, सेकेंड आ गया हमारे पास इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका सेकेंड मेथड होता है। ठीक है,
इसमें फर्स्ट मेथड था हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने कैलकुलेट करा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, फिर हमने नेट एसेट्स, उसके बाद हमने गुडविल, गुडविल में सेकंड स्टेप माइनस थर्ड यानी कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस मैस इन ऑल एसेट्स यानी जो भी हमारे पास सॉरी नेट एसेट्स थे वो लेस कर दिया गुडविल आगे। अब सुपर प्रॉफिट में हमारे पास कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। इसके स्टेप लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो इसमें स्टेप्स हमारे पास नंबर वन स्टेप नंबर वन में कैलकुलेट करना होता है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास सेम चीज़ बच्चे जो ऊपर कैलकुलेट करा वैसे ही निकलता है। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो ऑल एसेट्स में से, ठीक है वही चीज़ लिख देना यहाँ पे, किस किस चीज़ को छोड़ के एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है एंड फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और उसमें से लेस कर देनी होती है हमने आउटसाइड लायबिलिटी, फिक्टिशियस एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं बच्चे हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, ठीक है। थर्ड में कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने पिछले मेथड करा चुका हूँ आपको, जब सुपर प्रॉफिट से इसकी गुडविल की कैलकुलेशन कर रखी थी तो हमें सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल करना होता। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, एवरेज प्रॉफिट आपको आता है एवरेज बेसिस पे, जैसे 3, 5, 6, 7, 8, 10, 7 सालों का जितना भी दे रखा होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और फोर्थ होता है इसका सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, यानी पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप में इसमें हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को, गुडविल का फॉर्मूला आता है यहाँ पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट। ये चीज़ इसका ध्यान रखना कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है हमारे पास। स्टेप बता देता हूँ, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए आपके पास, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर गुडविल, गुडविल होती है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट करके। इसमें हमारे पास एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पहले लिख लिया मैंने यहाँ पे, इसमें दे रखा है हमारे पास बच्चे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर रुपीज 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर रुपीज 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो चीज़ और हमें चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहले स्टेप में हम कैलकुलेट क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितने हैं यहाँ पे, एसेट्स चेक कर लेते हैं हमारे पास, टोटल टेंजिबल एसेट्स कितने दे रखे थे हमारे पास यहाँ पे 14 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 14 लाख माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी कितने दे रखी है यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ की, रुपीज़ 4 लाख विच इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख क्या आ गया बच्चे हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद निकालना होता है हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10%, तो 10 ओवर 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, रुपीज़ कितना बच गया हमारे पास 10 लाख का जब करा हमने तो रुपीज़ 1 लाख बच गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना बचे हमने इसमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,50,000। ठीक है, रुपीज़ 1,50,000 इसमें आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा बच्चे हमारे पास 1,50,000 का आ गया था, और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमारे पास 1 लाख आ गया था। तो 1,50,000 माइनस 1 लाख विच इज इक्वल्स टू ₹50,000, ये चीज़ आ गई हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट में कैलकुलेट क्या करनी है हमने मेन चीज़ गुडविल की। ठीक है, तो गुडविल में जो हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है उसमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट। ठीक है, तो हमारे पास रेट जो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया था हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट कितना था हमारे पास 10%, एक जीरो कैंसिल, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज रुपीज 5 लाख आंसर। इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर खत्म होता है।